बसमिल्मान अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू तो माय चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे और सोच रहे होंगे कि आजकल तो सिर्फ़ हमारा घूमना हो रहा है तो घूमना बिल्कुल नहीं हो रहा है जनाब बस काम होते हैं जो आपको करने के लिए बाहर निकलने ही पड़ते हैं बहुत दिनों से रिश्तेदारी होती है दुनियादारी होती है और मेरी बहन कई बार आ चुकी थी लेकिन हम नहीं जा पाए तो थोड़ा बाज़ार में काम था वो सारा काम निपटाने के बाद हम रोज़ी जो है अपनी बहन यानी महक के घर आ गए तो रोज़ी को अंदर बैठा दिया था बाहर का व्यू हम लेने लगे हमने कहा थोड़ा सा यहाँ का बाहर का जो है जो नज़ारा है वो हम आपके साथ शेयर कर दें ये यह हमारे यहाँ का जमुरिया नाला है जो काफ़ी मटमैला है और बिल्कुल हमारी बहन के घर के बगल में जस्ट लगा हुआ है तो थोड़ा बहुत शूट करने के बाद यहाँ से फिर हमने कहा अब बहुत गोबर की स्मेल आ रही है तो हमने सोचा कि अब चलो चलते हैं बाहर से बहुत ज़्यादा शूट कर लिया और चलिए फिर आपको बहन के घर ले चलते हैं इससे पहले तो लाइट कटी हुई थी लाइट कटे हुए बहुत देर हो गई है तो उसके घर में बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो रखा था तो उनके घर के ही बाहर ये शॉप है यहाँ पर जो है छोले और कुलचे मिलते हैं और काफ़ी लोग सुबह नाश्ता नहीं बनाते इन्हीं के यहाँ से ले जाते हैं तो उस वक्त हमने इनका गेट बहुत नॉक नॉक किया लेकिन ये सब शायद धूप में चली गई थी तो आवाज़ ऊपर जा नहीं रही थी तो हम काफ़ी दो तीन मिनट तक आवाज़ देते रहे लेकिन हमारी महक और रोज़ी ये लोग ऊपर धूप ले रहे थे और धूप भी बहुत हल्की सी निकली हुई थी तो जब हमने कस के गेट पीटा है आवाज़ दी है तब जो है महक हमारी खोलने के लिए आई तो अल्लाह का शुक्र गेट तो खुला तो रोज़ी मुस्कुराने लगी और हम पीट रहे थे गेट तो हमने कहा ना सब छत पर चली गई और हमें छोड़ दिया बाहर चलो कोई बात नहीं है तो हमने कहा अब चलो चलते हैं क्योंकि अंधेरा अंधेरा हो रखा था घर में कोई बात नहीं है तो वहाँ से जब हम लोग निकलने लगे तो हम लोगों ने अचानक से प्लान बना लिया कि चलो आज जो है सच्चे पीर चलते हैं क्योंकि बहुत दिनों से सोच रहे थे जाने के लिए तो वहाँ जाना नहीं हो पा रहा था तो हम लोगों को आगे ही रिक्शा मिल गया था तो हम और रोजी चल पड़े और अपना बात करते हुए जा रहे थे तो सच्चे पीर एक मजार शरीफ है अस्ताना है मतलब और वहाँ पर बहुत से लोगों की जो मतलब ज़ायरीन जाते हैं वहाँ पर बहुत से लोगों की जो है मन्नतें पूरी होती हैं और अल्लाह पाक जो है वसीला लगाने वाले हैं तो बस हम सब भी जानने लगे बहुत दिनों से दिल कर रहा था कि चलो कोई सुकून की जगह पे चलते हैं क्योंकि ऐसी जितनी भी जगहें होती हैं तो आप अगर बहुत परेशान हैं तो ऐसी जगह पर जा करके आपको थोड़ा सा राहत और सुकून का एहसास होता है तो बहुत अच्छा लग रहा था जाते हुए कि चलो दिल बहुत परेशान है और तबीयत भी बहुत दिनों से अच्छी नहीं थी दिल घबरा भी रहा था तो हम बहन के घर पे गए तो वो ऑफिस गई थी वो जॉब करती हैं तो वो दोपहर तक आती हैं तो हमने कहा कि चलो बहन से भी मुलाकात नहीं हो पाई तो क्या बैठते फिर मैक से थोड़ी देर से हम लोगों ने गप शप लड़ाई तो फिर हम चले आए थे हमने कब आए हैं तो एक आध काम तो कर ही लें चलो अस्ताने पे ही टहलाते हैं घूम आते हैं फ़ाते पढ़ाते हैं अच्छा लगेगा दिल को सुकून और राहत हो जाएगी तो बस सोचा कि रास्ते का व्यू ले लें और आपको यहाँ का जो नज़ारा है वो उससे रूबरू करा दें और हमारा शहर बहुत खूबसूरत और साफ़ सफाई वाला है जैसा कि आपने देखा ही होगा अक्सर आप सब मेरे ब्लॉग में तारीफ़ करते हैं कि आपका मोहल्ला बहुत साफ़ सुथरा है तो अलहमदिल्ला ये बात तो है कि हमारा मोहल्ला बहुत ज़्यादा ही साफ सुथरा रहता है और बाहर भी वैसे ही आपको मिलेगा देखने के लिए क्योंकि हमेशा जो है क्लीन सा रहता है तो बस अभी हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं और हमारे यहाँ अम्मी तो अक्सर जो है सच्चे पीर जाया करती हैं और जो लोग बाराबंकी में रहते हैं जो लोग मज़ार आस्थाने पे जाना मतलब पसंद करते हैं तो जाहिर सी बात है वो लोगों ने पहचान ही लिया होगा ये यह हमारे यहाँ का पुलिस लाइन है स्टेशन रोड पे हम लोग स्टेशन रोड से रोड से हम लोग होते हुए यहाँ से जा रहे हैं तो सोचा कि चलो थोड़ा सा डिफरेंट ब्लॉक दिया जाए क्योंकि आप सब भी जो है क्या करते हैं एक ही चीज़ खाना पकाना ये सारी चीज़ें देख के बोर होने लगते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट देने की कोशिश की आई होप आप सबको जो है पसंद आ रहा होगा आज का ब्लॉग क्योंकि कभी कभी आप सब भी बैठे बैठे घर में बोर हो जाते हैं परेशान होने लगते हैं दिल दिल अजीब सा होने लगता है तो हमने सोचा कि जो सकून हम हासिल करने जा रहे हैं तो आप सब भी वहाँ की जीारत करिए और सकून हासिल करिए इन शाह ताली अभी जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा और हमारी अम्मी तो हर जुमेरात को जाती थी लेकिन जब से उनको पैर में प्रॉब्लम हुई तो थोड़ी दिक्कत हो गई तो अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं और रिक्शे से उतरने के बाद से यहाँ सामने ही जो है क्या कहते हैं सब मतलब ज़्यादातर इस पूरा ये हिस्सा जो है पुलिस लाइन एरिया और अधिकारी वगैरह लोगों का लगता है तो ये यह देखिए यहाँ का रास्ता ही कितना खूबसूरत है पता चलता है कि यहाँ आगे कुछ ऐसी ख़ास चीज़ है जहाँ जा कर के आपके दिल को बहुत अच्छा लगेगा तो यहाँ बगल में जो है आ, मतलब आ, एक खेत टाइप का था और किसी अधिकारी का घर है शायद तो यहाँ पर काफ़ी जो है फूल वग़ैरह खिले थे तो हमने वहाँ भी शूट कर लिया तो बहुत अच्छा व्यू लग रहा था तो हम सब वहाँ थोड़ी देर खड़े भी रहे तो हमने कहा चलो आज तो हम लोगों का हमारा और रोज़ी का खूब घूमना हो गया खूब और माशाल्लाह जो है और सुबह अल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है तो हम आपको दिखला रहे हैं आप सब भी इस ख़ूबसूरती को अपनी नज़रों में क़ैद कर लीजिए क्योंकि कुदरत के हर शय में हर चीज़ में जो है ख़ूबसूरती छुपी हुई है बस आपको जो है आ, देखने की मतलब ज़रूरत है उन आँखों से सारी परेशानी सारी टेंशन आपकी दूर हो जाती है और वैसे भी हरियाली वग़ैरह देखने से जो है आँखों को जो है ठंडक मिलती है और एक तरफ मतलब पेड़ पौधे खेत वगैरह था और एक तरफ बिल्कुल जंगल ऐसा एरिया था पहले यहाँ पर बाँस के बहुत शदीद बहुत ज़्यादा पेड़ हुआ करते थे बहुत ज़्यादा तो वहाँ पर आग लगने से वो सारी बसवाड़ी जो थी वो जल गई तो अब हम जो है अंदर की ओर दाखिल हो चुके हैं और बस मजार शरीफ जो है सच्चे पीर बाबा की ही, करीब ही हम हैं तो यहाँ पर हैंडपम्प लगा हुआ है लोग यहाँ पर आके वज़ू करते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी छोटी छोटी कब्रें और मजारें हैं तो हम आपको भी पूरा कैप्चर करके दिखलाते हैं तो हमारी अम्मी तो अक्सर आती थी हमने आपसे आगे शेयर ही किया है और आज अगर ये जुमेरात होता तो यहाँ पर आपको क़वाली सुनने को मिलती और काफ़ी लोग आपको काफ़ी लोग जो है तादाद में नज़र आती है यह देखिए यहाँ पर सच्चे पीर बाबा लिखा भी हुआ है तो सोचा कि चलो चारों तरफ से ये ख़ूबसूरत जगह और का जो है क्या कहते हैं आप सबको व्यू दिया जाए तो आप सब बताइएगा आप सबको यहाँ पर आकर कैसा लगा तो आप भी बहुत सुकून आँख सुकून दिल से इसको देखिए आँखों को भी ठंडक मिलेगी और दिल को भी राहत मिलेगी क्योंकि ये ऐसी जगहें जो होती हैं वो आपको बहुत ही जो है क्या कहते हैं पॉजिटिविटी देती हैं बस आप यहाँ पर आ कर के अपने अल्लाह से मांगिए और इनको वसीला बनाइए और इन शाह सारी परेशानियाँ जो होती हैं दूर हो जाती हैं तो रोज़ी बाहर खड़ी थी वो अंदर नहीं गई तो हमने कहा बाहर खड़े रहो और अभी हम जो है फातिया पढ़ कर के आते हैं फिर हम अंदर आ गए तो अंदर भी कोई नहीं था बिकॉज हमने बताया ना कि आज वैडनस था तो इसलिए जो है लोगों की कोई भी आमद नहीं है यहाँ पर जुमेरात के दिन काफ़ी भीड़ होती है और जिस दिन नौचंदी जुमेरात होती है उस दिन काफ़ी तो हम यहाँ पर बैठ गए फ़ातह पढ़ने के लिए तो चलिए फिर अभी आपसे आगे मिलते हैं यहाँ से फ़ातह पढ़ने के बाद तो बस मजार शरीफ से सच्चे पीर बाबा के स्थानी से हम निकल आए हैं और जैसे ही निकले थोड़ी दूर चलने के बाद हमको जो है रिक्शा जो है मिल गया था तो हम रोज़ी ने रिक्शा पकड़ा और नहीं तो काफ़ी मिल तो जाता है रिक्शा लेकिन यहाँ पर बहुत कम ही मिलता है जुमेरात के दिन तो कोई दिक्कत नहीं होती है लेकिन अदर डे है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आपको जो है कुछ दूर जो है मान के चलिए बीस पच्चीस कदम चलना पड़ता है वैसे तो यहाँ पर छोटा सा शहर है हमारा बाराबंकी जहाँ पर कदम क़दम पर रिक्शे और आटो मिल जाते हैं तो फिर हम लोगों को भी बस दस पंद्रह कदम चले होंगे हम लोगों को भी मिल गया था और उसके बाद फिर हमने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया हम घर आए लाइट थी नहीं फिर जल्दी जल्दी आकर हमने दाल चावल बनाया क्योंकि दो बज चुके थे और आज सुबह से साढ़े दस नहीं हाँ ग्यारह बजे से हम निकले हुए थे तो रोज़े से हमने कहा जाओ तुम रस पापा लेकर के आओ हम चाय बनाते हैं और भाभी हमारी यहाँ पर बैठ करके आग जला रही हैं उनको बहुत ठंडक लग रही है तो हमने कहा इतनी भी ठंडक नहीं हो रही कि बंदा बैठ कर आग तापे चलिए आप तापो बैठ कर के हम तो जा रहे चाय बनाने के लिए तो बस हम चले आए थे चाय बनाने के लिए और रोज़ी भी आ चुकी हैं तो रोज़ी के रहने से हमें बहुत आसानी हो जाती है रोज़ी मेरे छोटे छोटे बहुत सारे इस तरह के काम जो है कर देती है तो बस चलिए किचन में चलते हैं और चाय हमने बनने के लिए छोड़ दिया था तो ये देखिए चाय हमारी पक चुकी है अब इसके अंदर दूध वगैरह डाल देंगे तो चलिए आपसे आगे जो बातें बहुत ज़रूरी हैं वो करते हैं जो आज मेरे चैनल पे होंगे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए फटाफट से ब्लॉग को लाइक करिए इंस्टा पे फॉलो करिए और फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए और क्या सोच रहे हैं इंस्टा पे ज़रूर आना है आपको फॉलो करना है और इस ब्लॉग को देखने के बाद लाइक करके प्यारे प्यारे कॉमेंट करना है क्योंकि आप सबकी कॉमेंट से हमें जौसला अफज़ाई होती है उससे आगे जो है ब्लॉग बनाने में और मज़ा आता है ताकि आप सबको अच्छे अच्छे ब्लॉग दे पाऊँ तो चाय हमारी पक चुकी है फटाफट से इसको कप में निकाल लेते हैं तो हमारा बेटा जो नैनीताल से चाय लेकर आया था वो हमने ट्राई किया इसको पीने से बहुत ही मतलब बहुत मज़े की चाय थी ये ब्लैक टी थी हमने आपको दिखलाया था अपने ब्लॉग में तो चलिए इसका जो है क्या करते हैं रिव्यू हम फिर से आपको दे देंगे इन शी तो चाय बन चुकी है और शाम के वक्त तो वैसे भी चाय की तलब बहुत ज़्यादा लगने लगती है तो चाय का कप रखा हमने रोज़ी को आवाज़ दिया आप आओ और अपनी चाय ले करके जाओ हम तो कमरे में ही पियेंगे क्योंकि रोज़ी को भी ठंडक बहुत लग रही थी और वैसे भी जब आग जलती है ना तो रोज़ी की आदत होती है पन्नी कूड़ा बीन बीन के सब आग के अंदर डालने की और तुमने कहा चलो आप अपने आग से खेलो पन्नी डालो लकड़ी डालो जो कुछ डालना है हमने तो आग के पास नहीं बैठना क्योंकि पिछले साल आग तापने की वजह से मेरे कितने सारे सूटों में होल हो गया यानी कोयला जलाया जाता था जब आप इमली का कोयला जलाइए तो उसकी चिंगारी उड़ती है और आ कर के कपड़ों पर बैठ जाती है तो मेरे कितने मोजे और कपड़े सारे जो है होल हो गए तो हमने तभी कहा था कि अब हम अब की जो है आग के पास बहुत कम ही बैठेंगे तो खैर आज कोयला तो नहीं जलाया इन लोगों ने लकड़ी जलाई थी वो आप देखी देखा ही आपने आगे और खाली चाय तो हमसे बिल्कुल भी नहीं पी जाती है और कुछ भूख का भी एहसास होने लगा था क्योंकि हमने थोड़े से दाल चावल खाए थे बस नाम बराए नाम तो हमने कहा चलो अब चाय पीते हैं तोस खाते हैं तो रोज़ी अंदर आ गई थी अपना हाथ वग़ैरह धुल करके चाय और अपना रस पापा ले के बाहर चली गई तो बस चलिए इस ब्लॉग को ही ख़त्म करते हैं ताकि नेक्स्ट ब्लॉग हम शुरुआत कर सकें तो चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह ताला कल जो ब्लॉग मिलेगा वो आपको आ, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का मिलेगा क्योंकि वो रिक्वेस्टेड वीडियो है तो दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ बाय बाय टेक केयर